पार्लियामेंट की पहले भी एमपी रही हुई हैं और आने वाले समय के अंदर भी उन्होंने पार्लियामेंट लड़ना है। तो ये सभी कार्यकर्ता सम्मेलन हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कर रहे हैं और आप जानते हो हमारे बहुत तगड़े कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं चौधरी बंसीलाल जी के, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नए लोग बहुत सारे जुड़ रहे हैं, उनका उनके लिए ये सम्मेलन करा गया है ताकि कार्यकर्ताओं के साथ अब बैठक होगी, उनके साथ बातचीत होगी कि क्या समस्याएं हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है। बूथ कमेटीज़ हमने बना ली हैं कई जगह पर बूथ कमेटीज़ रह गई हैं, तो वो सारा का सारा कार्यक्रम उस सिलसिले के अंदर जो है ये मैं और श्रुति पूरे पार्लियामेंट के अंदर जाकर ये काम कर रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, नौजवानों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, ये सबसे अच्छी बात है, महिलाओं में उत्साह, और जो लोग हैं आज के दिन त्रस्त हैं, हर वर्ग जो है उसको परेशानी का सबब उसको मिल रहा है, जो है किसान जो है वो बिल्कुल ही लाचार हो चुका है, नौजवान जो है हताश हो रहा है, हमारा जो ये है व्यापारी भाई है उसका धंधा जो है वो चौपट हो गया है, मजदूर है उसकी मजदूरी ख़त्म हो गई है, कर्मचारी है उसकी पेंशन बंद कर दी गई है, हर जगह लाठी चार्ज हो रहे हैं, तो ये तो लट सरकार बन गई है, हर तरीके से जो है लोगों को सुविधा देने के बजाय आज जो है जो हर तरीके से लोगों को किस तरह से प्रताड़ित करा जाए वो काम ये सरकार कर रही है। और ख़ास तौर से मैंने तो यहाँ ये देखा दादरी के अंदर, बहुत मेरे को दर्द हुआ ये देखकर कि ऐसा बुरा हाल मैंने तो कहीं देखा नहीं है शहर का, जिस तरह से पानी खड़ा हुआ है, पानी के अंदर गाय जमी पड़ी है, गंदगी का आलम है, गाय माता जो हैं वो प्लास्टिक खा रही हैं और जो है चलने के लिए भी रास्ता नहीं है, बच्चे जो हैं वो गंदगी के अंदर खेल रहे हैं, पूरी तरह से सीवर व्यवस्था जो है वो ठप हो चुकी है और हर तरीके से जो है आलम यह है गंदगी का, कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीने के लिए जो है इन्होंने वो कर दिया, बीजेपी सरकार ने दादरी के लोगों को मजबूर कर दिया, ये आज का बेमिसाल है, ऐसी सरकार पहले कभी ना आई है और ना आगे आएगी, जिस सरकार ने हर तरीके से अव्यवस्था हो, कानून व्यवस्था पूरी ठप है, जिस सरकार के 12-12 MC जो हैं अपना सिर मुंडवाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण होगा, जिस सरकार के अंदर बेरोज़गारी का आलम जो है आज हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा नंबर 1 बन गया है बेरोज़गारी के अंदर, जो है किसान को जिसको कहा था जिसकी आय 2022 के अंदर दुगनी करेंगे, आज जो है वो किसान जो है पूरी तरह से धरती पुत्र को ज़मीन पर लिटा दिया है, सारे कर्मचारियों को जो है बर्बाद कर दिया, जिन्होंने अपनी सारी उम्र जो है काम करा और सरकार की सेवा के पेंशन जो है उनकी ख़त्म कर दी, फौज को ख़त्म कर दिया जो है अग्निवीर बनाकर, जहाँ हमारा इलाका ऐसा है कि सबसे ज़्यादा फौज के अंदर जो अगर भर्ती होते थे तो हमारे बच्चे होते थे, मान सम्मान से जाते थे, और कोई जब वापस आता था गांव के अंदर तो उसका पूरा मान सम्मान होता था फौजी का, और अगर किसी की शहादत होती थी उसके बुत बनते थे, उसकी पूजा होती थी, आज क्या कर दिया ये अग्निवीर बनाकर मजबूर कर दिया हमारे बच्चों को चार साल के लिए कि जो है 4 साल के लिए जाएंगे, अपना ही जो कमाई करिए वो लेकर आएंगे, कोई पेंशन नहीं है। हमारी जो रबी की फसल थी ये बाजरे की और ये गेहूं की और इसकी सरसों की पूरी तरह से ख़राब होगी पाले के अंदर, तो ये जो बीमा कंपनियां हैं इन्होंने तो कुछ दिया नहीं, और 80% जो है जो इनको मिलना चाहिए 20% भी इनको मुआवजा नहीं मिला, तो आप बताइए कहाँ जाएंगे। आज जो है ये जिस तरह से ये फैमिली आईडी बना दी है, एक आदमी फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी, एक आदमी को निर्धारित कर दिया हर फैमिली ने कि वो अपना एक थैला उठाकर इधर से उधर से इधर कागज़ लेकर जाता है, पोर्टल पे अपलोड करो, पोर्टल वाले करें ना करें वो कहते हैं ये बंद है, पता नहीं क्या हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग जो हैं क्या कहना, हर तरीके से विफल है, सामने है, लोगों ने मन बना लिया, सब आप देखते हैं, महंगाई से शुरुआत हुई, सिलेंडर जो है महंगाई जो है, डीजल पेट्रोल कभी इतना महंगा था नहीं, या ये जो है महिलाओं के लिए कहा था कि धुएं से जो है इनको निजात दिलवा दूंगा, आज क्या करा है, आज जो है वही जो है सिलेंडर वो है 1150 रुपए का हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आमदनी बढ़ नहीं रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई इतनी हो गई है, तो आदमी जाए तो कहाँ जाए, खुदकुशी करे यही चाहते हैं क्या, उनका तो कटाक्ष करना बनता है क्योंकि अब उनको मालूम है कि उनका ज़मीनी हकीकत जो है वो पूरी तरह से खिसक गई है। संगठन की बात है, हमारा संगठन तो आपने देखा, ऐसा संगठन तो जो है हमारा भिवानी महेंद्र का जो हमारे जो 3 जिले हैं, ऐसा संगठन तो मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होगा जो हमारा इतना मजबूत संगठन है और ये संगठन आगे लेकर जाता है, हम झूठ बोलने वाले लोग करने तो हमें क्या फर्क पड़ता है।
कांग्रेस के गुट। अब कहीं और कुछ होते हो तो मुझे पता नहीं, और यहाँ पे भिवानी महेंद्र क्षेत्र, महेंद्रगढ़ क्षेत्र जो ये तीन जिले हैं, यहाँ तो भाई किसी और का जो है काम है नहीं, यहाँ तो हमारा है। और इसको जो है कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है, और कांग्रेस पार्टी को आगे MP देना है और आगे अपने सरकार के अंदर बढ़िया तरीके से सरकार बनाना है। सभी बड़े नेता आप लोग हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है, हम सक्षम हैं। राहुल जी का और दूसरों का वो तो उस समय की बात है, लेकिन और तो कोई किसी की हमारे को जरूरत नहीं है। मैं और श्रुति यहाँ पे सक्षम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।